नमस्कार मित्रों, इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। और आज मैं जिस विषय पर बात करना चाह रही हूँ, विषय आजकल हर इंसान के दिमाग पर छाया हुआ है, पूरी मानवता जाति इसकी चपेट में आ चुकी है, कोरोना वायरस, जिसके आतंक ने पूरे विश्व को घेर रखा है इस समय। और हमारे हर इंसान के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मेरा ये मानना है कि ये एक प्रकृति का तरीका है हमें जगाने के लिए, हमारी चेतना, सोई हुई चेतना को जगाने के लिए। और ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम अपनी चेतना को का विस्तार कर सकें, अपग्रेड हो जाएं हम लोग। क्योंकि प्रकृति कहीं तो हमें कह रही है कि अगर तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करोगे तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है मेरे साथ। और कहीं हम मनुष्य ने का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि उसे लगता है कि वो हर चीज़ पर डोमिनेट कर सकता है, इवन प्रकृति पर। और हमारा ये अहंकार, हमारा ये ईगो माइंड इतना बड़ा हो गया है कि हम अपने मूल एसेंस, अपनी बेसिक नेचर, उससे कहीं बहुत दूर चले गए हैं। हमें लगता है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, पर अपने बेसिक्स को हम कहीं भूल गए हैं। और ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो हमें वापस अपनी मूल तत्व, अपनी बेसिक नेचर से जोड़ सकता है। और पिछले कुछ महीनों में हमने इनब्लिस पर बहुत सारे ध्यान शेयर करे हैं आपके साथ। इस समय, इस क्राइसिस के समय, वो रियली आपको गहरा सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस सिचुएशन का हम मानव जाति किस तरह से अभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इमोशनली, भय से, आतंक से, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव फियर, पैरानोया बढ़ गया है। तो पिछले कुछ महीनों पहले अगर आप भी इस पैरानोया का हिस्सा कहीं बन रहे हैं तो आप सजग हो उसके प्रति। और एक ध्यान मैंने शेयर किया था, गुस्से के पैटर्न को बदलना, आप वही ध्यान भय के पैटर्न को बदलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समय है सजग होने का। इंटरनेट, टीवी पर आए दिन बहुत सारी खबरें इसी वायरस की न्यूज़ से भरी हुई हैं और ये कहीं पे और भय पैदा कर रहा है हमारे साथ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें सक हो रहे हैं तो स्टॉप मेडिटेशन मैंने कुछ महीने पहले शेयर की थी, उसे अवश्य करें। कुछ मिनट वापस आ जाएं, ठहर जाएं, ब्रेक लें, कम बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट, इस क्षण में वापस आ जाएं। तो इस भय को हम थोड़ा सा और देखते हैं कि ये भय है क्या, हमें किस चीज का भय है। हमें भय है मरने का, मौत का। और मौत तो कभी भी आएगी और एक दिन तो आनी ही है। जिस दिन हम पैदा हुए, हम मौत को अपने साथ लिख कर लाए। पर मौत का भय पता है हमें क्यों ज़्यादा सताता है? क्योंकि हम पूर्णता से जी नहीं रहे हैं। अगर हम हर पल पूर्णता से जिएं तो हम, जब मौत हमारे सामने आएगी तो हमें उसका डर नहीं लगेगा, बल्कि हम खुले हाथों से उसे गले लगाने की क्षमता रखेंगे। और हमारा दिमाग बार बार, जब भी आपके ऊपर ज़्यादा हावी होता है, अगर हम इस भय से जिएंगे तो हम ये बीमारी और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा मन स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो जब भी आपका दिमाग और ये भय हावी हो जाए तो कुछ सांसें लें, याद रखें, गहरी श्वास लें, रिमेंबर टू ब्रीद। और जब भी आप हर श्वास लेते हैं तो महसूस करें कि वो श्वास आपके हृदय में
बह रही है, आपके हृदय को छू रही है, और अपने हृदय से कनेक्ट करें और हर श्वास के साथ महसूस करें कि ये पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति आप पर प्रेम बरसा रही है, आप पर, आपको ऊर्जा दे रही है, उस ऊर्जा को ग्रहण करें। ये ध्यान आपको मेरे ब्रीदिंग इन लव वीडियो में डिटेल में मिलेगा। तो हर श्वास के साथ प्रकृति के प्रेम को ग्रहण करें, जैसे सूरज अपनी रोशनी से आपको तरोताजा कर रहा है, बिखेर रहा है अपनी रोशनी आपके अंदर। फूलों की सुगंध हर श्वास के साथ आपके पूरे शरीर में फैल रही है, और जब आप उस प्रेम को महसूस करते हैं हर श्वास के साथ, फिर हर आउट ब्रेथ, हर प्रश्वास पे वही प्रेम आप बांटें, वापस प्रकृति को वही प्रेम बांटें। इससे आपको वो कनेक्शन फील होगा नेचर से, एग्जिस्टेंस से। और फिर इस प्रेम को महसूस करें, अपने आप को पूरी तरह भर लें इस प्रेम की ऊर्जा से, और फिर धीरे धीरे महसूस करें कि ये ऊर्जा आपके शरीर से बाहर, और फिर इस ऊर्जा को आप फैलाएं अपने आसपास के लोगों में। महसूस करें कि ये प्रेम की ऊर्जा, इस प्रेम की रोशनी, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर आसपास के लोग, आपके शहर के लोग, आपके देश के लोग, उन सबको, पूरे विश्व के मानव जाति के लोग, उन सबको इंक्लूड करें इस प्रेम की ऊर्जा में। जो लोग बीमार हैं, जो लोग इस वायरस से ग्रसित हैं, उन पर ये प्रेम और करुणा की ऊर्जा को बिखेरें, इंक्लूड देम। और इससे ना केवल आप अपने आप को हील करेंगे, बल्कि इस पूरी मानव जाति को हील करेंगे, हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये आप घर बैठे कर सकते हैं, रेडिएट लव। तो दोस्तों, पैनिक नहीं करें, रिलैक्स रहें, बी ग्रेटफुल इस मोमेंट के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।